नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तन्वी खान और आप देख रहे हैं हरिद्वार ज्वेलर्स। माना जाता है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार है खाटू श्याम जी, जहां राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि खाटू श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुँचा सकते हैं। यूं तो खाटू श्याम बाबा को जानने वाले गाडरवारा में कम लोग हैं, लेकिन गाडरवारा में रविवार की रात बाबा का दरबार रात भर चला, जिसमें भक्त बाबा के भजनों के बीच जमकर झूमते थिरकते हुए नजर आए। बाबा के दरबार को मंदोमुक्त कर दिया। श्याम जी महाराज का जगराता, जिसमें मंदसौर से आई अधिष्ठा और अनुष्का भटनागर दो बहनों ने खाटू श्याम जी के भजनों के माध्यम से उनके जीवनी का वर्णन किया और लोगों को उनकी कथा सुनाई। देर रात तक दोनों ने भजनों के माध्यम से बाबा के समक्ष प्रस्तुति की और साथ ही बड़े समूह में बाबा के भक्त मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि गाडरवारा खाटू श्याम जी महाराज का यह पहला आयोजन सबसे पहले तो सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय महादेव, जय महादेव। जैसे कि हमें बताया गया है कि गाडरवारा में ये पहला कीर्तन है बाबा का और यहाँ पर श्याम भक्त थोड़े कम है और यहाँ से खाटू भी बहुत कम लोग गए हैं, तो हम दोनों बहनों का सबसे पहले तो यही मकसद है कि सबसे ज़्यादा संख्या में बाबा से प्रेमियों को जोड़ सके, ताकि अगर यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला कीर्तन हुआ है तो हर महीने बाबा का हर गली में कीर्तन हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमी बाबा से जुड़े, बसे बसे खाटू जाएँ और वृंदावन जाएँ और भक्तिमय माहौल हो यहाँ के इलाकों का। खाटू श्याम दो में जो भजन की जो गाने की प्रेरणा है वो आप कहाँ से मिली? हम दोनों बहनों को भजन गाते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी दिसंबर में दो साल हुए हैं हमें और हमारी मम्मी 10 साल से भजन गाती हैं। जब कीर्तन नहीं चलते थे, जब भजन संध्या चलती थी उस टाइम से मम्मी भजन गाती है, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली है भजन गाने की और उनसे सीख कर हम जो भी गाते हैं, आज हम जो भी करते हैं स्टेज पर, जो भी बोलते हैं वो मम्मी से सीख कर ही गाते हैं। खाटू श्याम के अलावा और दूसरे भी भजन भी? हाँ, हम लोग बाबा श्याम के अलावा भी हर भगवान के भजन गाते हैं। बस यही है कि आजकल जैसे जो हो रहा है कि बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, तो हमारा यही मकसद है कि वो लोग धर्म से जुड़े, भगवान से जुड़े, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, गलत चीज़ों में जाने से अच्छा वो भगवान के कीर्तन करवाएं। बस यही मकसद है, हमेशा भजन करते रहें, भगवान की भक्ति करें।